जय हिंद दोस्तों, रन बिट टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस की पहचान कैसे करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है इंग्लिश का, क्योंकि जब तक हम टेंस नहीं पहचान पाते हैं तब तक हम ना तो ट्रांसलेशन कर पाते हैं और ना ही इंग्लिश हमारी कुछ भी मजबूत होती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे आप लोग इसकी पहचान भली भांति आज सीख लें, और हमने बहुत ही सरल ढंग से यहाँ पर आपको बताने का प्रयास आज किया है और हमने सब कुछ तैयार किया अपना मैटर। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप टेंस की पहचान कर पाएंगे। देखिए, टेंस होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। और प्रेजेंट टेंस, जैसा कि आप जानते हैं, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट टेंस इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। अब देखिए इन तीनों टेंस के अंत में क्या आता है। हिंदी में प्रेजेंट टेंस के अंत में हा अक्षर आएगा। अगर हा अक्षर आ गया तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट टेंस है ही, उसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। और अगर था अक्षर आ गया, अब था पर आ की मात्रा आ सकती है, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, ये बात अलग है, मतलब थे था अक्षर होना जरूरी है। था अक्षर आ गया तो समझ लीजिए वो क्या है, आपका पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस के लिए जरूरी है कि अंत में क्या अक्षर आए, गा अक्षर। अगर अंत में गा अक्षर आता है तो समझ लीजिए वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, यानी भविष्यकाल है। तो ये तो टेंस की पहचान होगी। तो आपको क्या लर्न करना है, इन तीनों अक्षरों को जान लेना है हिंदी के, यानी हा था और गा, इस टाइप से जान लेना है कि हा किसकी पहचान है, प्रेजेंट की, था पास्ट की, और गा फ्यूचर की पहचान है। ये हो गया अलग। अब जो प्रत्येक टेंस के भेद होते हैं वो चार होते हैं, इनडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चारों भेद प्रत्येक के होते हैं, मतलब इसमें चार भेद यही होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर, तीनों में यही चार चार भेद होते हैं, सबके साथ में यही जुड़े होते हैं। तो देखिए इनडिफिनिट की पहचान जो होती है इसको हम अलग से याद करेंगे। इनडिफिनिट की पहचान क्या होती है, अंत में ता अक्षर रहेगा। कौन सा अक्षर रहेगा इनडिफिनिट में, ता अक्षर, जैसे ता, ते, ती, मतलब मात्रा कोई भी हो सकती है लेकिन ता रहेगा। अगर इनडिफिनिट है तो ता रहेगा, कंटिन्यूअस है तो रहा, रहे, रही, इस टाइप से आपको मिलेगा, यानी रहा अक्षर आपको जरूर मिलेगा, यही आप जान लीजिए एक अक्षर, इसमें ता, इसमें रहा, परफेक्ट में चुका याद करना है आपको, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम के साथ में रहा याद करना है, टाइम के साथ में रहा। तो आप लोग एक बार मन लगाइए और याद अभी अभी हो जाएगा आपको, इनडिफिनिट में ता, कंटिन्यूअस में रहा, परफेक्ट में चुका, परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा के साथ में टाइम भी रहेगा, मतलब समय भी रहेगा। तो एक बार ये याद करना है, एक बार ये, अलग अलग दोनों को याद कर लेना है, प्रेजेंट का हा, पास्ट का था, फ्यूचर का गा, और इसी तरीके से इनडिफिनिट का ता, कंटिन्यूअस का रहा, परफेक्ट का चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा प्लस टाइम यानी समय। अब देखिए, जैसे कोई टेंस आपके सामने, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे राम गा रहा था, तो था से हमारा पहचान हो गया। इस था अक्षर जब हमने देखा तो हमने क्या पहचान कर लिया, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट, क्या पहचान किया, पास्ट, तो हो गया ये पास्ट, इस अक्षर से हमारा क्या बन गया, पास्ट। और इसके पहले आए रहा, रहा हमने क्या किस में पाया, कंटिन्यूअस पे, तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। देखिए कितनी आसानी से हमारी पहचान हो रही है। दूसरा देखिए, मोर है ये, मोर नाच चुका था, मोर नाच चुका था। अब यहाँ पे देखिए, मोर नाच चुका था, अब इसमें जब आप देखते हैं, देखिए इसमें था से क्या बना, पास्ट, क्योंकि आप जान रहे हैं था अक्षर जो है किसकी पहचान है, पास्ट की, तो था से आपका पास्ट बन गया। और चुका किसकी पहचान, देखिए परफेक्ट की, परफेक्ट लगा दीजिए, परफेक्ट, और टेंस तो लगेगा ही। अब देखिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। कितने आसानी से आप कोई भी टेंस पहचान सकते हैं, कोई भी टेंस रहेगा
पहचान सकते हैं। और कुछ आपको करना नहीं है, रटना नहीं है, बस एक बार देखना है। ता रहा चुका समय के साथ रहा, और इसमें हा था गा याद करना है, बस इतना ही आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी टेंस आ जाएगा, दुनिया का कोई भी टेंस आ जाएगा तो आप तुरंत पहचान बता देंगे कि कौन सा टेंस है। और जब टेंस की जानकारी आपको हो जाएगी तो वो टेंस आपके लिए करने के लिए आसान हो जाएगा ट्रांसलेशन में। तो चलिए आगे एक उदाहरण दो और देखते हैं। करा वे सो रहे हैं, हा अक्षर से आप क्या जान गए? प्रेजेंट। हा अक्षर से आपने क्या जाना? हा से प्रेजेंट टेंस होता है। और रहा अक्षर मिला तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए लास्ट का उदाहरण, हम दो घंटे से खेल रहे होंगे। गा अक्षर, देखिए गा अक्षर से आपको क्या मिला? फ्यूचर, फ्यूचर लिखते हैं। और फ्यूचर के बाद रहा अक्षर से क्या मिला? कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस लिखते हैं। सॉरी, एक चीज इसमें और है, समय भी दिया गया, देख रहे हैं यहाँ पे दो घंटे से है, मतलब टाइम भी दिया गया है। तो टाइम के साथ जहाँ रहा रहे रहे वहां पे क्या रहता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे परफेक्ट लिखेंगे हम पहले, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे में अगर ऐसे करके आप याद करेंगे तो बहुत ही भली भांति आपको ये टेंस आपको याद हो जाएंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि बिना टेंस की पहचान के आप इंग्लिश का कुछ भी नहीं बना बिगाड़ सकते हैं। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक इंग्लिश आपसे हिलने डुलने वाली नहीं है। और टेंस की जानकारी के लिए सबसे पहले उसकी पहचान जानना जरूरी है। जब तक हम पहचान नहीं जानेंगे कि कौन सा टेंस है तब तक हम उसकी अंग्रेजी नहीं बना सकते हैं, कुछ भी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल है अगर हमारी वीडियो, ये आपको समझ में आता है ऐसा कुछ, तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए मित्रों, और इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे ही टॉपिक ले करके, अच्छे अच्छे टॉपिक ले करके इंग्लिश और मैथ के हम आपको देते रहते हैं प्रतिदिन। तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप लोग एक लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपको कल एक अच्छे वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।